नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगला वीडियो हम लेकर आने वाले हैं सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहले निवेदन करूंगा कि आप सभी किसान भाई जो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सब्सक्राइब करके आप जो घंटी वाला निशान है उस पर क्लिक करें और वहां पर क्लिक करते से ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपको अगला वीडियो जैसे ही हम यहाँ से अपलोड करते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आगे की जानकारी देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सोयाबीन कृषकों के लिए उपयोगी सलाह भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने जारी की है उसमें इन्होंने दो चीज़ें मुख्य रूप से बताई हैं। इनमें सबसे पहले इन्होंने अभी जो कोरोना वायरस की स्थिति में कृषि कार्य के बाबत सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है एक तो वो बताया है, साथ ही सोयाबीन की खेती हेतु क्रियाओं की सामूहिक सलाह उन्होंने दी है कि आपको क्या करना है और किस तरह से बीज को उपचारित करना है, क्या क्या जानकारियाँ हैं वो हम आपको इस मामले बता देते हैं। तो किसान भाइयों, कृषि कार्य करते समय 4 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा न होने दें तथा उनके बीच 2 मीटर की पर्याप्त दूरी रखें। बुखार, सर्दी, खांसी की स्थिति में अपने खेतों पर काम कर रहे श्रमिक और व्यक्तियों को चिकित्सकीय परामर्श की सलाह दें। कोरोना वायरस से सुरक्षा है तो अपने चेहरे पर मास्क, गमछा, रुमाल या कपड़ा लगाएं और हाथों में मोजे या ग्लव्स लगाना अनिवार्य कर लें ताकि हम सुरक्षित रह सकें। कृषि कार्य करते समय मादक पदार्थ या तंबाकू का सेवन ना करें। और निवेदन करूँगा किसान भाइयों की केवल कृषि कार्य करते समय ही नहीं, हम चाहेंगे कि आप मादक पदार्थों से हमेशा दूर रहें क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान तो है ही, शारीरिक नुकसान बहुत ज़्यादा है। ठीक है किसान भाइयों, इसी के साथ समय समय पर 20 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से धोते दिनों हुई अल्प वर्षा में भी यह पाया गया है कि कुछ कृषकों ने सोयाबीन की बुआई कर दी है। यह मानसून पूर्व की वर्षा थी एवं नियमित मानसून प्रारंभ होने में अभी समय है, अतः कृषकों को सलाह दी जाती है कि मानसून के आगमन पश्चात पर्याप्त वर्षा होने पर ही बोवनी करें। उत्पादन में स्थिरता की दृष्टि से 2 से 3 वर्ष में एक बार खेत को गहरी जुताई करना लाभप्रद होता है, अतः जिन किसान भाइयों ने खेत की गहरी जुताई नहीं की है वो कृपया अवश्य कर लें। उसके बाद पक्खर या कल्टीवेटर या पटर चलाकर खेत को तैयार कर लें। उपलब्धता के अनुसार खेत में 10 मीटर के अंतराल पर सबसॉइलर चलाएं जिससे मिट्टी की कठोर परत को तोड़ने जल अवशोषण में नमी संचार की अधिक समय तक बना रहे। खेत की अंतिम बरखने से पूर्व अनुशंसित गोबर की खाद जैसे 10 टन पर हेक्टेयर गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। इस मात्रा में आप गोबर की खाद डालते हैं, अगर मुर्गी का खाद है तो 2.5 टन पर हेक्टेयर की दर से डालकर खेत में फैला लें। अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित सोयाबीन किस्मों में से उपयुक्त किस्म का चयन कर लें। बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। आपके क्षेत्र में किस प्रकार के बीज चाहिए देखते ही होंगे कि अगर आपके क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर बीज होगा जैसे 90-95-20-60 GS तो वो आप अपने हिसाब से सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र में कौन सा बीज की बोवनी करना उचित रहेगा। ठीक है किसान भाइयों, इसी के साथ उपलब्ध सोयाबीन का बीज का अंकुरण का परीक्षण जरूर सुनिश्चित कर लें। न्यूनतम 70% तक अगर अंकुरण है तो ही आप उस बीज का उपयोग करें, अन्यथा नहीं। बोवनी के समय आवश्यक आदान जैसे उर्वरक, खरपतवार नाशक, फफूंद नाशक, जैविक कल्चर आदि का क्रय करके उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। बोवनी के समय बीज उपचार के लिए अनुशंसित फफूंद नाशक जैसे पेंट्रोफेन और ट्राइफ्लोरोक्सीट्रोबिटिन 1 ml पर KG की मात्रा में डाला जाता है अथवा थायरम कार्बोक्सिक्विन 3 ग्राम पर KG की बीज की मात्रा में डाला जाता है अथवा जैविक फफूंदी नाशक भी होते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम पर किलोग्राम बीज
के आधार पर उसे उपचारित करें। इसके पश्चात जैविक कल्चर, बैटरी राइजोबियम, जोपोनिकम एवं स्पूर गोलक जीवाणु PSM जिसे PSM बोलते हैं की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करें और अच्छी तरह से अपने बीज को उपचारित करें। उसके बाद ही उसकी बोवनी करें। वर्षा के आगमन पश्चात सोयाबीन की बोवनी हेतु मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह का उपयुक्त समय होता है। नियमित मानसून के पश्चात लगभग 4 इंच की वर्षा होने के बाद ही बुवाई करना उचित होता है। मानसून पूर्व वर्षा के आधार पर बोवनी करने से सूखे का लंबा अंतराल रहने पर फसल को नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये जो एडवाइजरी सोयाबीन अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी की गई है, जो हमने आपको बताया है और एडवाइजरी है, इसका आप सुनिश्चित कर लें कि इन सारी जितने भी आपको सलाह दी गई है आप उनको ध्यान में रखते हुए ही अपने बीज का सिलेक्शन करें, साथ ही उसे उपचारित करें और जो जो यहाँ पर फफूंदनाशक के बारे में जानकारी बताई गई है उनका आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में सोयाबीन की फसल में कीट लगना या किसी प्रकार की बीमारी